नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर और एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर। तो आज का जो सक्सेस टिप मैं आपको देने जा रहा हूं वो है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं, बहुत बड़ी इनकम को अगर आप लेना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी ये चाहत है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी इनकम को आप प्राप्त करें, तो आज का सक्सेस टिप्स ये है कि वो बहुत बड़ी इनकम जो छुपी हुई है, वो छुपी हुई है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर। जी हाँ, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर। और क्या रीज़न है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं चाहते, फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर हैं और आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो 100% ईमानदारी के साथ आपको करना पड़ेगा वो क्या है, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा। 100% की बात कर रहा हूं मैं, 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा। जितने भी लोग आपकी टीम के अंदर आपके अप्लायंस में आते हैं जो कामयाब हैं, आप उनकी लाइफ को चेक कीजिए, मैं गारंटी देता हूं 99% लीडर वो होंगे जो 100% प्रोडक्ट यूजर होंगे। और एज ए अप्लाइन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और एज ए अप्लाइन आपका बहुत अच्छा पे आउट है और आप दूसरों को अगर एजुकेशन देते हैं कि प्रोडक्ट यूज कीजिए और आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते 100%, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। इसका मतलब आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। और मैंने ऐसे तमाम लीडर को देखा है जो अपनी टीम को ये बोलते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, और जिस दिन उनकी टीम को पता लगता है, बाई चांस उनके घर पर अगर वो पहुंच जाते हैं तो उनको पता लगता है कि हमारे खुद के अप्लाइन जो हैं वो खुद 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहला जो काम आप सभी लोगों को करना है और 100% करना है, वो है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल करना। अब आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो आपको बड़ी इनकम आ ही नहीं सकती। और जैसा मैंने बताया, कुछ अपलाइन क्या करती हैं कि डाउनलाइन को क्या पता लगेगा, वो अपना जो भी प्रोडक्ट बाहर से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अपनी कंपनी से ले लेते हैं कि डाउनलाइन को पता नहीं लगेगा। डाउनलाइंस को पता नहीं लगता, लेकिन इस यूनिवर्स को पता लगता है। और वो आपकी जो एक गलत आदत है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स में जाते जाते कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूटर के माइंड को भी टच कर जाती है और वो भी प्रोडक्ट लेना बंद कर देता है। तो अगर आप एज ए ट्रू डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलिंग में वाकई आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो 100% प्रोडक्ट यूजर तो आपको बनना ही पड़ेगा। ये पहला सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने का। लेकिन इसके विपरीत लोग करते क्या है, जो लोग ज्यादातर लोग नाकामयाब हैं, एक महीना आए प्रोडक्ट खरीद लिया, दूसरे महीने आए प्रोडक्ट खरीद लिया, तीसरे महीने प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ लोग उनके साथ जुड़े, बहुत बड़ा चेक अगर उनका नहीं आया तो अपना खुद का प्रोडक्ट लेना ही बंद कर दिया, उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आया। दोस्तों मैं अपने तरीके से आपको बताता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में मुझे क्या समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद अगर मुझे बहुत बड़ी इनकम चाहिए तो पहला सिद्धांत है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। जिस कंपनी में मैं आ गया हूं उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट अगर मेरे घर में इस्तेमाल होता है तो वो मेरी ही कंपनी से आएगा, बाहर दूसरी कंपनी से, दूसरे ब्रांड का नहीं आएगा। अब अपने आप को आप चेक कीजिए, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट किसी और कंपनी का आपके घर में आ रहा है, तो दोस्त पैसा कोई और देगा, आपकी कंपनी नहीं देगी। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में समझ में आ गया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जिस कंपनी के अंदर मैं हूं उसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। क्यों प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कंपनी से सीधा प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा, मार्केट से 20-40% हर कंपनी का मार्केटिंग प्लान के हिसाब से MRP से सस्ता मिलता है, और साथ में कुछ ऑफर्स और कुछ स्कीम भी मिलती हैं जो हमें मार्केट में नहीं मिलती है। मार्केट में हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलता है, मार्केट में हर प्रोडक्ट हमें MRP पे लेना पड़ता है, और साथ में किसी तरीके कोई स्कीम, किसी तरीके कोई ऑफर नहीं होता। और दूसरा, मार्केट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके और मार्केट के प्रोडक्ट की तारीफ करके मेरे घर में कभी भी कोई अर्निंग या कभी भी कोई इनकम नहीं आती। ये सारी बातें मुझे समझ में आई थी
कि क्यों मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। नंबर वन, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, एमआरपी से 20-40% सस्ता मिलेगा। और तीसरा, यहां पे मुझे कुछ स्कीम्स, कुछ ऑफर मिलेंगे, यानी कि कुछ प्रोडक्ट खरीदने पे कुछ परसेंट का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा जो मार्केट में नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद, पसंद आने के बाद, मैं जिस जिस को बताऊंगा और जो भी व्यक्ति इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, एक टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर से मुझे इनकम होगी, यानी तारीफ करने से मुझे पैसा मिलेगा। और यही मैं कर रहा हूं और आज बहुत अच्छी आमदनी मैं अपनी कंपनी से ले रहा हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक सूत्र को ध्यान रखिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आप पार्टनर बनते हैं उस कंपनी के, और एज ए पार्टनर आप अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भूल जाइए कि आपको लाइफ के अंदर कभी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। 100% का मतलब 100%, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर है, अगर वो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होता है तो वो आपकी ही कंपनी से आएगा, किसी दूसरी कंपनी से बिल्कुल नहीं आएगा। जिस दिन ये नियम आप बना लेंगे और बाकी जो चीजें मैंने आपको समझाई, अगर उस सिद्धांत के ऊपर आप काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। तो खुद भी एक प्रोडक्ट अच्छा यूजर बनना है और अपनी टीम में भी प्रोडक्ट यूजर बनाने हैं, जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूजर बनते हैं उसकी टीम में उतनी ज्यादा सेल होती है, उतना ज्यादा वॉल्यूम होता है और उसका पे आउट भी उतना बड़ा बनता है। तो आशा करता हूं इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला सिद्धांत जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको कामयाब बनाएगा वो है 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा, और 100% प्रोडक्ट यूजर यूज करने वाली टीम का आपको निर्माण करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर ली, ज्वाइनिंग तो 1000 लोगों की करा दी, 100 लोगों की करा दी, 500 लोगों की करा दी, लेकिन परचेज कोई नहीं करता, उनको वैल्यू ही नहीं समझाई, उनको समझाया ही नहीं कि क्यों प्रोडक्ट परचेज करना है। 100% प्रोडक्ट मिलता, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है इसलिए प्रोडक्ट यूज करना है, 20-40% डिस्काउंट मिलता है इसलिए प्रोडक्ट यूज करना है, साथ में 10-20% का कुछ ऑफर मिलता है इसलिए प्रोडक्ट यूज करना है, और सबसे बड़ी बात इसके बारे में बता के एक आलीशान, एक शानदार इनकम आती है उसके लिए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। जब ये बातें आप खुद समझ पाएंगे और अपनी टीम में समझा पाएंगे तो सभी लोग आपकी टीम के अंदर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ना बढ़े। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार कीजिए जो वीडियो में आज मैंने समझाया, और अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं तो निश्चित रूप से आपकी टीम में बहुत सारे लोग 100% इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर हर उस नए शख्स को सबसे पहले ये वीडियो आप दिखाएं जिससे उसको समझ में आए कि आपने उसको ज्वाइन कराया तो सबसे पहला काम जो उसको करना है वो प्रोडक्ट यूज करना है, और वो सही समय पे समझ जाएगा, शुरुआत में समझ जाएगा, तो आपका बिजनेस जो है, आपकी सेल जो है वो बहुत बड़ी होगी, और सेल बहुत बड़ी होगी तो वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, और वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा तो निश्चित रूप से आपका चेक बहुत बड़ा होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और फिर किसी दिन अगले सक्सेस टिप्स के साथ बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।